Assalamu alaikum friends, my name is Yusra Aman and this is our YouTube channel Cooking with Kids. आज मैं अपनी मम्मा के साथ किचन में मौजूद हूँ और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी इजी रेसिपी आलू के कटलस। अल्लाह ताला आपके रिज़क में इजाफा करे और आपके वसीले से हमारे इसमें भी इजाफा करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 1.5 केजी पोटैटोज लिए हैं। पोटैटोज को हमने बॉयल कर लिया है। अब हम इन्हें मैशर की मदद से इन्हें मैश करेंगे। ये कटलेट बनाने में बहुत इजी है बट खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये देखिए पोटैटो अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम बॉयल मटर ऐड करेंगे 1/2 कप। एक बड़े साइज की गाजर डालेंगे जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। एक मीडियम साइज का ऑनियन लेंगे, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। 2 ग्रीन चिलीज बारीक कटी हुई। एक कप बंद गोभी ग्रेट की हुई। टेबलस्पून अनार दाना ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। वन पिंच अजवाइन डालेंगे। वन पिंच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। वन टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे 1/2 कप। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाथ के साथ अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। ये हमारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और फिर हैंड वॉश करके इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियां बनाएंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक टिक्कियां छोटी या बड़ी कर सकते हैं। एक अंडा लेंगे और उसे अच्छे से बीट कर लेंगे।
फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें पैन रखेंगे। 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। 1 by 1 अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे नहीं तो टिक्कियां जल जाएंगी। एक एक करके हम साड़ी ऐड करेंगे। फाइव मिनट तक हम इन्हें एक साइड से फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी हम तब साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमने इनकी साइड चेंज किए हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब हम 1 by 1 सारे डिश आउट करेंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।